दसवीं और बारहवीं जमात के तमाम तुलबा को पास करने का फैसला। फेल होने वाले तुलबा को रियायती 33 नंबर्स देकर पास किया जाएगा। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तिहानात साल में दो बार होंगे। इम्तिहानात को सप्लीमेंट्री का नाम नहीं दिया जाएगा। आइंदा साल मैट्रिक के इम्तिहानात मई और जून में होंगे। 2022 में नया सेशन अगस्त से शुरू होगा। वफाकी वजीर शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में फैसले। डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर 169 रुपए का हो गया। गैर मुल्की कर्जों में अरबों रुपए का इजाफा। महंगाई की नई लहर तैयार। बरतानवे पाउंड 234 रुपए पर जा पहुंचा। इमाराती दिरहम 46 रुपए 45 पैसे। सऊदी रियाल 45 रुपए का हो गया। ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पिछाड़। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इरम बुखारी का तबादला। सैयद अली मुर्तजा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मुकर्रर। मजीहुल्ला कुंडी सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट बन गए। सुहेल अहमद ख्वाजा और उस्मान मुअज्जम की खिदमत। वफाक के सपोर्ट चीफ सेक्रेटरी से सीनियर अफसरान को पंजाब में रहने की इजाजत। कोरोना की चौथी लहर में कमी नहीं आ सकी। शहर में मजबूत केसेस की शरह 12% रिकॉर्ड। 662 नए मरीज। 3 अफराद जान से गए। 15 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज। फाइजर लगाई जा रही है। रजिस्ट्रेशन के लिए बे फॉर्म लाजिम। इस्तदादे कोरोना वैक्सीनेशन। इंतजामिया 6 माह बाद भी हदफ हासिल करने में नाकाम। सिर्फ 35% लाहौरियों को डोज लगाई जा चुकी। 67,87,033 की वैक्सीनेशन होना थी। 23,04,000 तक ही पहुंच सके। पाबंदियों के बावजूद स्कूल क्यों खुला। SOPs की खिलाफ वर्जी पर जलो मोड़ में कार्रवाई। लाहौर लाइजियम स्कूल, कायद पब्लिक हाई स्कूल और PGS स्कूल सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सईदा तहनीत बुखारी ने कार्रवाई की। कंटोनमेंट बोर्ड का सियासी दंगल। नून लीग ने मैदान मार लिया। 20 में से 16 वार्ड्स में कामयाबी। हुक्मरान जमात PTI के हिस्से सिर्फ 3 नशिस्तें आईं। एक आजाद उम्मीदवार भी कामयाब। पीपल्स पार्टी के हाथ खाली। शहबाज शरीफ ने कंटोनमेंट बोर्ड में कामयाबी को नई सुख का आगाज करा दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं कामयाबी अवाम की खिदमत का नतीजा है। साद रफीक और दीगर की तारीफ। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के 6 वार्ड से नून लीग, 3 वार्ड से PTI कामयाब। वार्ड नंबर 5 से आजाद उम्मीदवार इरफान अकबर ने फतह समेटी। पीपल्स पार्टी एक भी सीट हासिल नहीं कर पाई। वार्ड नंबर 1 से नून लीग के अली हसन अब्बास। वार्ड नंबर 2 से रिजवान शफकत। वार्ड नंबर 4 से राना आसिफ अली कामयाब ठहरे। वार्ड नंबर 7 से बाबर अशरफ। वार्ड नंबर 8 से नईम शहजाद और वार्ड नंबर 10 से मोहम्मद जाफर जीते। वार्ड नंबर 3 से तहरीक इंसाफ के उस्ताद रशीद अहमद। वार्ड नंबर 6 से उमर तालिब और वार्ड नंबर 9 से वकास असलम कामयाब हुए। इलेक्शन हो चुका। वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया। वॉल्टन कंटोनमेंट बोर्ड से 3 उम्मीदवारों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मुस्तरद। मेजर रिटायर्ड जावेद, तारिक सिद्दीकी और चौधरी असलम ने दोबारा वोटों की गिनती के लिए दरख्वास्त दायर की। करप्शन का एक और स्कैंडल। ऑरेंज ट्रेन के तामीराती कामों में 38 अरब के घपले। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में 12 अरब की माली बेजाबतगी। पेट्रोल डीजल और सरिये की मद में 2 अरब का हेरफेर। रेत बजरी और सीमेंट की मद में 70 करोड़ का गबन हुआ। 40 करोड़ कहां खर्च हुए, कोई रसीद नहीं। स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट ने कच्चा चट्ठा खोल दिया। शेरावाला गेट फ्लाईओवर पर काम तेज। 123 फाइलें मुकम्मल। मंसूबे की जल्द तकमील के लिए सेक्शन 6 नाफिज। मोजा नौलखा की 18 केनाल से जायद अराजी हासिल की जाएगी। मंसूबा 22 मार्च 2022 तक मुकम्मल होना है। सेहत हर शहरी का हक। पंजाब हुकूमत का यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम लाने का फैसला। शहरी पैनल में शामिल किसी भी अस्पताल से मुफ्त इलाज करा सकेंगे। 3 साल प्रोग्राम पर बजट का तखमीना 331 अरब रुपए है। प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों को माहौल दोस्त बनाने का फैसला। सब्जी के लिए शजरकारी और खेलों के मैदान बनाना लाजिम करार। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मैंगल ने तजावीज भिजवा दी। सोसाइटीज को मास्टर प्लान देना होगा। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे की तैयारियां। 25 से 40% तक इजाफे का प्लान। महकमा एक्साइज के अफसरान ने सर जोड़ लिए। अमले की तबीयत का पहला मरहला मुकम्मल। ताजी बरादरी पहले ही प्रॉपर्टी टैक्स में 66% इजाफे पर
सड़ापा एहतजाज है। लंडा बाजार नित नए डिजाइन के दरामदी जूतों का मरकज, एलीट क्लास भी ब्रांडेड जूते खरीदने पहुंच गई। डॉलर की बढ़ती कीमत और महंगाई की लहर में इस्तेमाल शुदा दरामदी जूते भी सस्ते नहीं रहे। और सीईओ एलडब्ल्यूएमसी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए मुतहरिक, आउटफॉल नॉर्थ साउथ चिल्ड्रन वर्कशॉप का दौरा, गाड़ियां फील्ड में ना भेजने ना के सुपरविजन पर फ्लीट मैनेजर आउटफॉल नॉर्थ की सरजनिश। वैलेंशिया वर्कशॉप फ्लीट मैनेजर से गाड़ियां लेट निकालने पर वजाहत तलब, आरजी कलेक्शन पॉइंट्स को जल्द क्लियर करने के अहकाम जारी।